राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है रेडियो बाल पत्रिका रंगोली। रंगोली में आज सुनते हैं कार्यक्रम ओणम। बच्चों, हमारा देश उत्सवों और त्योहारों का देश है। यहाँ हर मौसम में कोई न कोई उत्सव मनाया जाता है। कभी होली तो कभी दिवाली, कभी बैसाखी और कभी ओणम। जया के पिताजी आज ही केरल की यात्रा से लौटे हैं। आते ही उन्होंने अपनी बेटी को एक उपहार थमाया। ये क्या है पिताजी? बिटिया, ये है तुम्हारे लिए एक उपहार। उपहार मेरे लिए? हाँ, वहाँ एर्नाकुलम में मैं जिनके घर ठहरा था ना, उनकी बिटिया ने मेरी बिटिया रानी के लिए भेजा है। अरे वाह, इतने सुंदर नए कपड़े! हाँ सचमुच बहुत ही सुंदर हैं। उसने कहा है तुम अगली बार इन्हें पहन कर ही केरल आना। हाँ जरूर। अरे, इसमें हिंदी में मेरा नाम भी लिखा है पिताजी। हाँ, विजयलक्ष्मी हिंदी लिखना पढ़ना जानती है। अच्छा, उसका नाम विजयलक्ष्मी है? हाँ। तो अब मैं विजयलक्ष्मी को इतने सुंदर उपहार के लिए धन्यवाद लिखूंगी। हाँ हाँ, जरूर लिखना, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है, तो मैं अभी लिखती हूँ। प्रिय विजयलक्ष्मी, इतने सुंदर उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओणम के अवसर पर भेजा तुम्हारा ये उपहार सचमुच बहुत ही प्यारा है। मैंने जब इन कपड़ों को पहना तो माँ ने कहा तुम इन कपड़ों में बहुत ही सुंदर लगती हो। धन्यवाद। अच्छा विजयलक्ष्मी, तुम लोग ओणम कैसे मनाते हो, क्या क्या करते हो, मुझे जरूर बताना। और हाँ, तुम मुझे मलयालम भाषा सिखाओगी? मैं मलयालम सीखना चाहती हूँ। अच्छा, अब पत्र समाप्त करती हूँ। तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में तुम्हारी जया। कुछ ही दिनों में जया के पास विजयलक्ष्मी का जवाब भी आ गया। विजयलक्ष्मी ने लिखा था, प्रिय जया, तुम्हारा पत्र पाकर बहुत अच्छा लगा। ये जानकर और भी अच्छा लगा कि तुम ओणम के बारे में जानना चाहती हो। ओणम हम लोगों का प्रसिद्ध पर्व है। इस दिन हम सब नए नए कपड़े पहनते हैं, रंगोली बनाते हैं और उसके चारों ओर घूम घूम कर नाचते गाते हैं। जगह जगह संगीत, नाटक और खेलकूद होते हैं। और हमारे केरल की प्रसिद्ध नौका दौड़ के बारे में तो शायद तुमने सुना ही होगा। और हाँ, इस दिन भगवान विष्णु और उनके भक्त महाबली की पूजा की जाती है। कहा जाता है इसके पीछे एक कथा है, तुम्हें सुनाती हूँ। पहले केरल में राजा महाबली राज्य करते थे। वो अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी थे। राजा महाबली बड़े दानी और
विष्णु भक्त थे। एक बार भगवान विष्णु ने महाबली की परीक्षा लेने की ठानी। वो एक ब्राह्मण विद्यार्थी का रूप बनाकर महाबली के पास जा पहुंचे। प्रणाम ब्राह्मण देवता। महापराक्रमी दानवीर महाराज बलि आयुष्मान हो। भगवान आप सुख से तो हैं, मुझे दर्शन देने की कृपा कैसे की? महाराज बलि, मेरी शिक्षा पूरी हो गई है, अब आपके राज्य में 3 पग भूमि मिल जाए तो यहीं बस जाने की इच्छा है। बस 3 पग भूमि? आप आज्ञा करें, आपके लिए सुंदर घर, बाग बगीचा, खेत खलियान सभी की व्यवस्था कर दूंगा। नहीं नहीं महाराज, मैं तो छोटा सा व्यक्ति हूं, मेरे लिए 3 पग भूमि ही बहुत है। परंतु इतनी सी भूमि देकर तो मुझे संतोष ही नहीं होगा। परंतु राजन, मुझे तभी संतोष होगा जब आप मुझे 3 पग भूमि दान में देने का वचन देंगे। जैसी आपकी आज्ञा भगवान, मैं महाबली आपको 3 पग भूमि दान में देने का वचन देता हूं। आयुष्मान भव राजन। जानती हो जया इसके बाद क्या हुआ? वचन पाते ही वामन रूप विष्णु का आकार बढ़ना शुरू हो गया। देखते ही देखते वे विराट रूप में आ गए। इसके बाद उन्होंने 1 पग से सारी पृथ्वी नाप ली और दूसरे से सारा आकाश नाप लिया। तीसरा पग उठाकर वे बोले, बोलो राजन, अब ये तीसरा पग कहां रखूं? मैं समझ गया प्रभु, आप मेरी परीक्षा लेने आए हैं, किंतु कोई बात नहीं, मैं अपने वचन से फिरूंगा नहीं, मैं आपके आगे सिर झुकाता हूं, आप अपना ये तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। सोच लो महाबली, यदि तीसरा पग तुम्हारे सिर पर रख दिया तो इसका अर्थ होगा कि तुम मेरे सेवक, मेरे दास हो जाओगे। इससे बढ़कर मेरा और क्या सौभाग्य होगा प्रभु? मैं जो कहूंगा हे महाबली तुम्हें मानना होगा। आज्ञा दे भगवान। हे महाबली, ये सारी पृथ्वी तुमने मुझे दान कर दी है, अब तुम यहां नहीं रह सकोगे, तुम्हें पाताल में जाकर रहना होगा। आपकी आज्ञा सिरमाथे पर प्रभु, किंतु वर्ष में 1 दिन, केवल 1 दिन प्रभु, मुझे अपने राज्य में आने की अनुमति दें, ताकि मैं अपनी प्रजा का सुख दुख अपनी आंखों से देख सकूं। ठीक है महाबली, वर्ष में 1 बार तुम यहां आओगे और उस दिन तुम्हारी प्रजा प्रसन्न होकर तुम्हारे स्वागत में उत्सव मनाएगी और इस उत्सव को ओणम के नाम से जाना जाएगा। इसीलिए हर वर्ष ओणम के दिन हम लोग महाबली का स्वागत करने के लिए अपने घरों को सजाते हैं। अगली बार ओणम के अवसर पर जब तुम यहां आओगी, मैं तुम्हें अपनी भाषा मलयालम सिखाऊंगी।
अच्छा, तुम्हारी सखी विजयलक्ष्मी। विजयलक्ष्मी का निमंत्रण पाकर जया अगली बार ओणम पर्व के अवसर पर केरल गई। उसे वहां बहुत आनंद आया। आप भी अपने आसपास मलयालम भाषा बोलने वाले बच्चे से मिलें और केरल के पर्व ओणम के बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। ओणम, अभी आप सुन रहे थे रंगोली के अंतर्गत यह कार्यक्रम। परियोजना समन्वय एवं निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर, विषय संयोजन प्रोफेसर सुरेश पांडे, विषय मार्गदर्शन प्रोफेसर सत्यप्रकाश बान्याल, विषय परामर्श डॉ. जितेंद्र सिंह, डॉ. अनूप राजपूत, डॉ. अमरेंद्र बेहरा, आलेख डॉ. शुभ्रा शर्मा, कलाकार दिनेश वर्मा, गीता गौरी, पवन कौशिक, सतीश कक्कड़ और प्रिया, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, ध्वनि सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, आलेख संपादन निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।